ताहिर गोरा के शो बिना तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुशआमदीद कहती हूं आज के शो में इस बातचीत का आगाज हम भारत के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट से करते हैं इस बात का भी जायजा लेंगे कि भारत की नई सरकार क्या दुनिया में उसी तरह अपना इंपैक्ट बनाए रखेगी जिस तरह मोदी की गुज़िश्ता दो सरकारें वर्ल्ड स्टेज पर अहमियत रखती थी नीज अब भारत की स्ट्रांग ऑपोजिशन भारत को किस तरफ लेकर जाना चाहेगी इसके साथ साथ हम पाकिस्तान की और इकोनॉमिक सिचुएशन का भी जायजा लेंगे अमरीका ने इसराइल के रफा पर अटैक को रेड लाइन क्यों करार नहीं दिया और कुछ बात करेंगे कनाडा के सियासी हालात पर बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट कम करने का आगाज भी कर दिया है इसका कनाडा की कॉनिपिंग पर क्या असर पड़ेगा इसका भी हम जायजा लेंगे तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं भारत के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से आप भारत के इलेक्शन के रिजल्ट्स को किस तरह देखते हैं देखिए लोकसभा के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो एग्जिट पोल से काफी मुख्तलिफ निकले क्योंकि एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक तो भारत की तीसरी जो मोदी सरकार है वो मेजोरटी के साथ बनती नज़र आ रही थी मगर जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो अब कोलिशन गवर्नमेंट है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब तक जो दो हुकूमतें चलाई हैं वो टोटल मेजोरटी की सूरत में चलाई हैं कोई उन पर प्रेशर नहीं था वो अपने फ़ैसले करने में आ, बहुत आज़ाद थे और इसलिए उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले किए थ्री सेवेंटी को मूव किया जीएसटी लगाई और बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए ट्रिपल तलाक का आ, मसला हल किया आ, तो अब कोलिशन सरकार है उनके पास रफली इस वक्त टू सीट्स बीजेपी की हैं और जो उनको थर्टी टू थर्टी थ्री सीट्स मज़ीद चाहिए सरकार मेजोरिटी की बनाने के लिए वो अब वो अपने कोलिशन से लेंगे जो जाहिर है नतीश कुमार और मिस्टर नायडो दो बड़े प्लेयर हैं तो अब वो फ़ैसले मुख्तलिफ अंदाज से करेंगे अब वो उतने इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर भारत दस साल के बाद हम एक नई डगर पर जाता हुआ देखेंगे और ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं इसके नतीजा में हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये तो दुरुस्त है कि मोदी थ्री सरकार ही होगी बीजेपी की सरकार ही होगी मगर इसको डिफरेंट अंदाज के साथ ऑपरेट करना होगा बिहेव भी करना होगा क्योंकि अपोजिशन भी स्ट्रांग हो गई इस पर आगे हम चल कर बात करेंगे तो आ, ये रिजल्ट्स भारत की डायनामिक डेमोक्रेसी को साबित करते हैं और दुनिया ने देखा कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसमें 670 मिलियन वोटर्स ने वोट डाले वो कितने स्मूथ तरीके से हुए वायलेंस का को, शायद ही कोई इक्का दुक्का वाक़ हुआ हो और जिस तरह रिज़ल्ट सामने आए हैं वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी चौंका देने वाले हैं क्योंकि देखिए 670 मिलियन वोटर्स का वोट डालने का जो एक फार्मूला है अगर हम अमरीका और यूरोपियन यूनियन के वोटर्स को इकट्ठा कर दें तो शायद वो भी तादाद में कम हों वोट डालने वाले यूरोप में भी ऑल अक्रॉस यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो यानी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के जो वोटर्स हैं उनसे ज़्यादा वोट्स पड़े हैं भारत में तो कितने समूह तरीके से पढ़े जब इलेक्शन शुरू हुए थे उस वक्त मेरा खाले 42, टू फोर्टी थ्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था जब ख़त्म हुए तो वो शायद फिफ्टी सेल्सियस डिग्री था लोगों ने इसके बावजूद इतने बड़े टर्न आउट सिक्सटी सेवन परसेंट क्या कहा जाता है आलमोस्ट लोगों ने टर्न आउट दिया और मैंडेट उन्होंने एक तरह से डिवाइडेड दिया सब पार्टियों को कुछ ना कुछ दिया और सब पार्टियों ने तस्लीम किया यहाँ तो अमेरिका का आपको पिछला इलेक्शन याद होगा कि ट्रंप नहीं मान रहे थे जी कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है और उसमें प्रॉब्लम्स भी थे आ, ये तो पाकिस्तान की मसाल आपके सामने है वो तो आज तक इश्यूज चलते हैं और वहाँ पर वाकई जो इशूज़ हैं जैन हैं वहाँ पर फेयर इलेक्शन होते ही नहीं तो भारत ने साबित किया दुनिया पे फेयर इलेक्शंस और मेरा ख्याल है ये भारत की डेमोक्रेसी भारत की एज देश विक्ट्री है इस इलेक्शन रिजल्ट्स को अगर हम उस एंगल से भी देखें तो चलिए अब इस बात इस तरफ आते हैं कि भारत की नई सरकार क्या दुनिया पर उसी तरह अपना इम्पैक्ट रखेगी जिस तरह मोदी की गुजस्ता दो सरकारें वर्ल्ड स्टेज पर अहमियत रखती थी एक्स्ट्राऑर्डनरी जी था। जी एक्स्ट्रॉर्डनरी भी था और वो ऐसा समय रहा जो उस समय की कॉन्टीन्यूशन आज भी है जिसमें भारत वर्ल्ड स्टेज पे चौथे इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पर आ, आगे बढ़ा इकॉनमी के लेवल पे भी जियो स्ट्रेटजिक लेवल पे भी यानी वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका लेड बाय वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना रशिया और भारत ये चार बड़े स्टेक होल्डर्स में भारत का शुमार हुआ और भारत की इकोनॉमी अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार के आखिर में जो नंबर्स आए वो एट पॉइंट टू परसेंट ग्रोथ रेट था बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है और भारत को अगर सिक्स सेवन परसेंट पर भी भारत की ग्रोथ रेट चलती रहे तो दुनिया में अनप्रेसिडेंट ग्रोथ रेट है आज के हालात के तनाज में तो इकनॉमिक प्लेटफार्म पे भी भारत ने थ्राइव किया जियो स्टैटिक प्लेटफॉर्म पर भी भारत ने थ्राइव किया पूरी दुनिया ने भारत की अहमियत को तस्लीम किया चाहे ग्लोबल साउथ की बात हो चाहे जी ट्वेंटी uh, की कॉन्फ्रेंस हो इवन जी सेवन में भारत की इम्पॉटेंस को फील किया जाता है हालांकि भारत तो उसका हिस्सा नहीं है यहाँ तक कहा गया कि भारत को जी एट में आ जाना चाहिए जी एट में पहले रशिया था तो रशिया को निकाल दिया तो जी सेवन हो गया तो अब दुनिया यहाँ तक कह रही है तो क्या ये सूरत हाल अब बरकरार रहेगी देखिए अभी भी सरकार तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही बनती नज़र आ रही है और यकीनी तौर पर बनेगी क्योंकि उनकी पार्टी और उनके कोलिशन के पास सबसे ज़्यादा नंबर हैं और पॉलिसियाँ उनकी चलेंगी जियोस्टैटिक लेवल पे भारत उसी तरह इंपॉर्टेंट रहेगा मेरा नहीं ख्याल उसमें कमी वाक होगी और फिर इसके साथ साथ बल्कि भारत को और वेटेज मिलेगा अब दुनिया ये कहेगी कि ये वाला भारत जो है ये मकम्मल तौर पर एक मेजोरिटी गवर्नमेंट का भारत नहीं है मगर आ, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी आ चुकी है वहाँ पे और कोलिशन सरकार है इसके बावजूद भारत उसी तरह बिहेव कर रहा है तो दुनिया ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी इससे मुझे मेरा नहीं ख्याल को फ़र्क पड़ेगा हाँ अब देखने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ओथ लेते हैं जैसा कि खबरें आ रही हैं कि शायद आठ जून को वो ओथ लेंगे आज जब आप और मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनडीए जो कोलिशन पार्टी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंडोर्स भी कर दिया है जो एक फॉर्मेलिटी होती है जो इम्पॉटेंट है रिक्वायर्ड है और वो जब नया हल्फ लेंगे प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनेंगे तो उसके बाद आ, हम तो को कर सकते हैं कि वो एक नया रूप का भारत होगा चूँकि कोलिशन सरकार है लेकिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि उनके आ, ओथ लेने के बाद जो कैबिनेट है वो कैसी रहेगी क्योंकि गुजशत पाँच साल में हमने जयशंकर जी को देखा जो वर्ल्ड स्टेज पर भारत को बहुत आगे लेकर गए अब क्या जयशंकर जी एज अ फॉरन मिनिस्टर आते हैं या कोई और आते हैं अगर कोई और आते हैं तो आई होप कि वो भी उतने ही मंझे हुए सीजनड डिप्लोमैट होंगे इसी तरह इकॉनमी में आ, इनको एक बड़ा स्ट्रांग मिनिस्टर चाहिए तो ये आइंदा हफ्ते तक होपफुली चीज़ें और वाजे हो जाएंगी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओथ दोबारा से लेंगे और कैबिनेट नहीं बनेगी चलिए अब आपने कुछ इस तरफ इशारा भी कर दिया है और मेरा सवाल भी इससे रिलेटेड है कि क्या स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन है वो भारत को आ, मेनोवर करना चाहेगी अगर चाहेगी तो किस तरफ देखिए दस साल से जो भारत में एक एन्वायरमेंट बना हुआ है कि एक स्ट्रांग पार्टी की लीडरशिप थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ब्रांड नेम बन चुके हुए हैं बहुत पॉपुलर हैं आज भी पॉपुलर हैं वो तो जो ख़बरें आ रही हैं भारत के अंदर बीजेपी की अपनी इंटरनल भी कुछ रिफ्ट थी जिसकी वजह से यूपी में उन्होंने सीटें गंवाईं और उनकी मेजोरिटी सरकार नहीं बन सकी और मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता पोलिटिकल पार्टियों में ये रिफ्ट होती हैं नेचुरल होता है आ, ये कोई आसान काम नहीं होता कि रिफ्ट के बगैर चलते रहें मैं अपने भारतीय बहन भाइयों को भी मशवरा दूंगा। वो इस वक्त जो खास तौर पर मोदी जी के स्टॉन्च किस्म के सपोर्टर्स हैं वो बड़े मायूस हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई आ, भारत आपका देश है सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तब्दीलियां आती हैं सियासत में ये कोई आ, मतलब लिखा हुआ नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एज़ इट इज़ ही चलते रहना है बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ख़ुद एक नया एक्सपेरिमेंट है कि वो एक कुल्यूशन गवर्नमेंट को अब लीड करेंगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी किस्म की कोल्यूशन गवर्नमेंट को लीड नहीं किया तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें क्या फ़ायदा है कि भारत की दूसरी पोलिटिकल पार्टियाँ भी एंगेज होंगी आज के मॉडर्न वर्ल्ड स्टेज पर और आज के मॉडर्न दौर में और अपोजिशन जो आपने पूछा कि क्या अब भारत को किस तरह लेकर जाना चाहेगी पहले भी अपोजिशन दोनों सरकारों के दरमियान अपनी अपनी आरा देती थी विरोध करती थी हालांकि छोटी अपोजिशन आप, थी मगर उनका विरोध होता था लेकिन इस बार उनका विरोध जो है वो पावरफुल होगा और उस विरोध की बिना पर अब दुनिया अपोजिशन पर कान ज़्यादा दरेगी क्योंकि अपोजिशन के पास भी टू थर्टी फोर प्लस कुछ इस तरह के नंबर हैं और सरकार के पास टू नाइन्टी प्लस के कुछ नंबर हैं तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है तो अब दुनिया ज़्यादा तो जो देगी अपोज़िशन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो मेरा ये ख्याल है कि एक जो भारत में एक ये एटीट्यूड बना हुआ है कि जी ये वाले ख़ास लोग पेट्रियाटिक हैं बाकी जो लोग हैं वो पेट्रियाटिक नहीं हैं इस रवैये को अब ख़त्म करना होगा उसकी वजह यह है कि मेरा मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि पैट्रियाटिक सारे होते हैं अपनी अपनी एबिलिटी या नरेटिव में किसी किस्म की जो आ, कमी है वो हो सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चाहे वो अपोजिशन हो चाहे सरकार हो लेकिन सभी पेट्रियाटिक होते हैं छोट छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं अब अपने अपने पेट्री इंटरेस्ट के लिए पोलिटिकल पार्टियाँ अपनी हदें भी क्रॉस करती हैं ये पूरी दुनिया में होता है तो लेकिन अब भारत की जनता को और तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो सपोर्टर हैं हम भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को बहुत पसंद करते रहे ओवरऑल ओवरऑल तो उस सिचुएशन में हम भी ये समझते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अब चूंकि ज्यादा वेटेज रख रही हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करना होगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी पोल्यूशन को एक्सेप्ट करना चेंजिंग डायनामिक्स के साथ बिल्कुल चलता है क्योंकि मुल्क वहीं पे मौजूद है लोग वहीं पे मौजूद हैं ज्यादा और कम होता है और पॉलिटिकल वेरिएशन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की वेरिएशन को एक्सेप्ट करना और उनके साथ चलना बहुत जरूरी है बिल्कुल आप ठीक कह रही है वैसे भी भारत कांग्रेस का देश नहीं है या बीजेपी का देश नहीं है ये भारतीयों का देश है ये तो पोलिटिकल पार्टियां हैं जो पोलिटिकल पार्टी ज्यादा अच्छा काम करेगी उसको ज्यादा वोट मिलेंगे यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हमने दो पिछली सरकारों में देखा और अब जो तीसरी सरकार बन रही है इसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी को आ, बाकी पार्टियों से ज्यादा वोट मिले हैं पहले से कम मिले हैं आ, मतलब वोट परसेंटेज तो शायद वही है सीटें कम मिली हैं लेकिन यह एक ग्राउंड रियलिटी है और इसके साथ मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालना चाहिए वो ये है कि अब जो जो आ, फ, जो अपोजिशन के धड़े थे जो विरोध करते थे अब वो सिर्फ विरोधी नहीं होंगे वो पार्टिसिपेंट्स भी होंगे आ, नेशन के डिसीजंस में और उनके डिसीजंस को भी अब सीने से गले से लगाने की ज़रूरत है नफ़रतों को या डिविजन्स को कम करने की ज़रूरत है पहले जो डिविजन्स थी वो कोई बीजेपी की वजह से नहीं थी वो पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से थी बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स थी दूसरी पार्टियों की अपनी पॉलिटिक्स थी अब वो जो पार्टियां हैं एक दूसरे के करीब आ गई उनके नंबर्स जरा बेहतर हो गए हैं सबके तो अब सबकी जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो ज़्यादा भरपूर होगी और ये एक अच्छा साइन है और जब अगला इलेक्शन होगा तो फिर वोटर्स अपना डिसीजन करने के जिस तरह वो करना चाहेंगे डाइवर्स पोलिटिकल चेंज इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज कि उसके अंदर काम कैसे करना है और कितना भारत को आगे करना है रोकना है या कहाँ लेके जाना है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा तो चलिए अब जब हम वहाँ से चलते हैं तो अब हम बात करते हैं साउथ एशिया की तो पाकिस्तान की सियासी और इकनॉमिक सिचुएशन का भी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत की नई सरकार बनेगी तो क्या उस कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आएंगी ताल्लुक में क्या आप देखते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर बहुत बात होती है इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालिए देखिए पाकिस्तान की जो पिछली सारी सरकारें रही हैं अगर हम 40-50 साल से देखें जिया के माशाल्लाह के बाद से ख़ास तौर पर देखें उससे पहले की हिस्ट्री भी पाकिस्तान की टूवर्ड्स भारत टेररिज्म कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन वो वैसी ही थी तो जियाल्ला के बाद वो और उसमें इजाफा हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जो टेरज़म कश्मीर में होती रही बॉम्बे टेर्रजम का हुआ पठानकोट का हुआ उड़ी का हुआ दिल्ली पार्लियामेंट का हुआ और छोट छोटे छोटे अनगिनत वाकयात हैं तो उसकी वजह से भारत की सरकारें पाकिस्तान से नाराज़ होती चली गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की पाकिस्तान के साथ तल्लक बेहतर करने की जब उन की पहली सरकार बनी इवन वो नवाज शरीफ की इन्विटेशन पर जो हुकूमत पाकिस्तान की इन्विटेशन नहीं थी वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की एक पर्सनल इन्विटेशन थी उस पर वो अपने कैबिनेट के साथ अफगानिस्तान से वापस आते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए रुके भी फिर उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी अ, जो पहली ओथ सेरेमनी थी टू में उसमें बुलाया भी था तो न, न, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ हम तल्लक अच्छे करें अपने शुरू के दो सालों में लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की जो हरकतें हैं जो वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से पूछे बिना करते हैं उसकी वजह से फिर भारत और पाकिस्तान दूर होते चले गए फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी पहली सरकार के ज़माने में ही कहना पड़ा कि भाई टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते उसके बाद फिर ये हालात ख़राब होते गए फिर जब इमरान खान की सरकार थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार आई तो इमरान खान होप करते थे कि शायद तल्लक बेहतर हो जाएंगे मगर इमरान खान का नेरेटिव इतना टॉक्सिक होता था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत के खिलाफ वो तल्लक नॉर्मलाइज ना हो सके अब इस सारे अरसा में यानी आठ दस सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकारों के दौरान ये बात तय हो गई कि भाई पाकिस्तान के साथ टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते वीज़े पाकिस्तानियों को मिलना आलमोस्ट बंद हो गए और बहुत सारे तल्लक इवन कल्चरल तल्लक ख़त्म हो गए और एक नरेटिव भारत में बड़ इस्टेब्लिश हो गया कि हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं अच्छा पाकिस्तान को भारत की जरूरत है अपने इकोनॉमिक मसाइल की वजह से मगर चूंकि पाकिस्तान का टॉक्सिक नरेटिव खत्म नहीं होता पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म नहीं होती तो वो आ, जो है वो तलक बेहतर ना हो सके अब क्या जो पार्टनर्स हैं कोलिशन गवर्नमेंट में नतीश कुमार जी जो बड़े पार्टनर्स हैं और नायडो साहब और फिर ऑपोजिशन का प्रेशर भी बड़ा प्रेशर होगा भारत में क्या वो चाहेंगे एक बड़ा सवाल है कि भारत की सरकार को कहें कि चलिए जी आप धीरे धीरे तलकार पाकिस्तान से भी करें पाकिस्तान का टॉक्सिक जो बिहेवियर है ये उनकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है मगर अब पाकिस्तान दिल से तैयार है आ, अपनी गलतियों पे नादम है मगर चूंकि ऐसा प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान अपनी गलतियों पे नादम हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इवन ये जो नई बनने वाली कोलिशन गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के साथ कोई तलक बेहतर करना चाहेगी पाकिस्तान तो दे रहा है इंडिकेशन जी हमारे साथ तजारत कीजिए हमें फिर अपने साथ वो जो है अमन की आ, आशा के राह पर डाली इस तरह की इंडिकेसन्स पाकिस्तान के लिबरल से पाकिस्तान की सरकारों से आ रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मकम्मल तौर पर तय कर रखा था कि भाई अब इनके साथ बात नहीं हो सकती क्योंकि ये अपनी बातों पर कायम नहीं रहते और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये फैसला दुरुस्त फैसला था अब जो कुलशन सरकार है उसमें थोड़ी सी फ्लैक्सीबिलिटी शायद आए आ, अब वो पाकिस्तान आ, अगर कोई इश्योरेंस देता है बीच में यूएई पड़ता है सऊदी अरब पड़ता है वो कहते हैं जी कि अब ये पाकिस्तानी सुधर जाएंगे तो आ, आप इनको चांस दीजिए तो लेट्स सी कि आगे आने वाली गवर्नमेंट में पाकिस्तान वाकई ही कोई इश्योरेंस देता है प्रैक्टिकल एश्योरेंस फिर हो सकता है ये कल्यूशन सरकार को थोड़ी बहुत फ्लैक्सीबिलिटी दिखाए चलिए अब पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात पर निगाह डालें तो इमरान खान की पार्टी और फ़ौज में तनाव बढ़ता नज़र आता है दूसरी तरफ फ़ौज और अदलिया भी वाज तनाव का शिकार है इस मामले को आप किस तरह देखते हैं देखिए इमरान खान की पार्टी और फौज में बिल्कुल तनाव बढ़ रहा है इमरान खान ने जो पिछले हफ्ते अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की थी और ये कहा था कि बंगलादेश बनने का जो अमल है पाकिस्तान टूटने का जो अमल है उसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है और उन्होंने ये एक ट्वीट की थी मशहूर ट्वीट कि गद्दार कौन क्या उस वक्त शेख मजीबी ररम गद्दार थे या पाकिस्तान आर्मी के जरनेल थे तो उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान आर्मी के जरनेल थे फिर अब उसमें एक वीडियो भी लगाया था इमरान खान ने अपनी ट्वीट के साथ उस वीडियो में आखिर में उन्होंने नाम दिए बगैर जनरल आसिम मुनीर की भी तस्वीर लगाई थी गद्दार कौन की आ, जो कड़ी है जो तसलसल है उसमें तो इससे साफ इमरान खान का उनकी पार्टी का कहना था कि ये भी गद्दारों की साफ में आते हैं और उन्होंने फिर यह भी कहा कि क्योंकि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया था और ये बात इमरान खान ग़लत नहीं कहते मैं इमरान खान की इस बात को तस्लीम करता हूँ वाकई ही फ़ौज ने उनका मैंडेट चुराया था लेकिन ये बात भी एक रियलिटी है कि जो मैंडेट इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में मिला था वो भी चुराया हुआ मैंडेट था वो भी उस वक्त नवाज शरीफ का चुराया हुआ मैंडेट था लेकिन इमरान खान को अपना चुराया हुआ मैंडेट तो बड़ा याद आया लेकिन उस वक्त जिस तरह सरकार इमरान खान की बनाई गई थी वो भी इसी तरह बनाई गई थी जिस तरह की ये सरकार है शहबाज शरीफ की तो खैर लेकिन अब इस पर इमरान खान आ, डट गए हैं और उनकी पार्टी ने कहा कि हमने कोई गलत बात नहीं की गलत बात उन्होंने नहीं, नहीं की ये वाकई सच है और फौज के बीच और उनके बीच तनाव बढ़ा अब इसके साथ साथ जैसा आपने ज़िक्र किया पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो अदलिया है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के बहुत सारे जजेस, फिर जो आ, हाई कोर्ट्स हैं प्रोविंस की आ, वो भी बहुत आ, इस वक्त आर्मी के ख़िलाफ़ नेरेटिव दे रही हैं जजमेंट्स दे रही हैं तो पहले ही होता था कि आर्मी अपनी पाकिस्तान आर्मी अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं इसी जुडिशरी से करवाया करती थी इस जुडिशरी को कहा जाता था कि इस बंदे को पकड़ लो इसको जेल में कर दो इसको नाहल करार दे दो अब वही सारी जुडिशरी फौज के खिलाफ हो गई है तो अब फौज के लिए एक ही ऑप्शन बचा है बल्कि दो ऑप्शन है या तो वो सरेंडर कर ले जुडिशरी के आगे अगर वो सरेंडर नहीं करना चाहती तो फिर वही जो पाकिस्तान के पोलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं एक और मार्शला किसी वक्त भी वहाँ पर आ सकता है जिसमें फौज कॉन्स्टिट्यूशन को फिर रदी में फेंक दें जिस तरह पहले उन्होंने कई मार्शाला लगाए और रदी में फेंके और फिर वो कह दें जी कि ये जुडिशरी जज और ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो जो हमारे साथ नहीं इनको हम जेलों में डाल देंगे तो ये अब दो ही ऑप्शंस हैं और दूसरा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान की फौज के लिए भी पाकिस्तान के इदारों के लिए भी उस रीजन के लिए भी बहुत ही बुरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन ही ठीक है कि फौज कोई आ, होश के ना ले वहां पे अपने आप को अपनी हदों के अंदर रखे और सियासत पोलिटिकल प्रोसेस जो है वो चलने दिया जाए। चलने दिया जाएसतदानों को आपस में चीजों को खुद सेटल करने दिया जाए आपकी इसी बात के हवाले से कहूंगी कुछ सच ऐसे होते हैं जो सच तो होते हैं लेकिन वो बोलने के लिए नहीं होते समझने के लिए और सीखने के लिए होते हैं और यही हिस्टोरिकल फैक्ट है पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे। चलिए पाकिस्तान के वज़र अजम शहबाज शरीफ आज कल चीन के दौरा पर हैं क्या वो चीन की नाराज़गी को दूर कर सकेंगे और क्या चीन पाकिस्तान की इकोनमी को बेहतर करने में कोई किरदार अदा कर सकता है ये हमेशा से हमेशा तक का सवाल है जी देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गल पाँच रोज़ा दौरा पे चीन में इस वक्त हैं और उन्होंने आज ही एक स्टेटमेंट में कहा कि चीन से मैं मदद मांगने नहीं गया कारोबार की बात करने गया हूँ और चीनी कंपनियों से कारोबार की बात करूँगा आपने एक और इशारा दिया कि चीन पाकिस्तान से नाराज़ है बिल्कुल नाराज़ है कई चीज़ों पर नाराज़ है एक तो जी चीनी पाकिस्तान में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं है दर्जनों चीनी अब तक वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स में मारे जा चुके हैं और चीन इस पर बहुत नाराज़ है पाकिस्तान से दूसरा जो सी पैक का मंसूबा है उस सी पैक के मंसूबे पर चीन ने पाकिस्तान में काफ़ी पैसा लगाया है और मज़ीद पैसा लगाना रोक दिया है क्योंकि वो उसको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और फिर उसके लोगों की सिक्योरिटी भी नहीं है और चीन पाकिस्तान को मज़ीद पैसा देने में भी रिलेक्टेंट है उनको ये लगता है कि ये ऐसा कुआं है जिसमें जितना भी हम डालेंगे वो उसमें नज़र ही नहीं आएगा ये वो गायब होता चला जाएगा लेकिन जो पाकिस्तान और चीन की जियो स्ट्रैटिक पार्टनरशिप है वो भी पुरानी है वो भी ख़त्म नहीं हो सकती तो इस सारी सूरत हाल में चीन की नाराज़गी क्या वो दूर कर सकेंगे अब चीन उनसे यही कहेगा और वो पहले भी कह रहा है कि भाई आप की बात हम तभी सुनेंगे जब आप प्रैक्टिकली हमारे लोगों को सिक्योरिटी दें प्रैक्टिकली जो कुछ हमने पैसा लगाया उसकी रिकवरी की या उस पैसे जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन एसेट्स को वहाँ पे आप एक्टिव करने की बात करें तो मेरा ख्याल शिबाजी इस हवाले से उनको बताएंगे कि भाई देखिए हमारे यहाँ तो इमरान खान सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है उनकी ही लड़ाई चल रही है हमारे साथ भी फौज के साथ भी और सबको पता है कि फौज ही पाकिस्तान को political चलाती है स्टेबिलिटी चाहिए, चाहिए और उस पोलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर Uh, ये जो सारा टेरर और ये सब है ये सब इंक्लूड होता है क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में बहुत कोर रिलेटेड हैं तो बेसिकली चाइना ये चाहता है कि कुछ स्टेबल सिचुएशन उसे नज़र आए ताकि वो कुछ होपफुल हो अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक तो वो भी है और दूसरा एक और फैक्टर भी है पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी फैक्शंस को नई नहीं, नहीं बने ये बहुत सालों से बने हुए हैं ख़ासतौर पर जब अली जरदारी ने अपनी 2013 की सरकार में चीन के साथ ये आ, आ, किया सी पैक का माह किया काम शुरू किया उस वक्त से वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका कोई खुश नहीं है पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ग्रुप्स हैं जो कुछ प्रो चाइना है कुछ प्रो अमेरिका है समाइम कुछ जो प्रो चाइना जर्नेल होते हैं वो एक वक्त में प्रो अमेरिका भी हो जाते हैं और एक ही वक्त में वो प्रो दोनों के रहते हैं और एक ही वक्त में वो प्रो चाइना फिर हो जाते हैं तो ये बिल्कुल बड़ा फास्ट चेंजिंग वहां पे प्रो का मतलब अगेंस्ट नहीं है ना जी कुछ लोग कहते हैं प्रो का मतलब है कि वी आर नॉट अगेंस्ट लेकिन वहां पे व, वहां पे कुछ इस तरह का भी तासर है एक तो ये ठीक है कि हम प्रो हैं अगेंस्ट नहीं है लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अगेंस्ट अगेंस्ट चल रहे होते हैं तो चाइना को ये भी कंसर्न है अब ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर के जो रिफ्ट हैं जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान की वीक पोलिटिकल हुकूमतें वो तो कंट्रोल कर नहीं सकती फिर ये ए, अमेरिका चाइना जैसे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर आते हैं जो पाकिस्तान को पैसा भी दे रहे हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं या उनको अमदादे दे रहे हैं या उनके फ़ौजी सामान जाते हैं तो वो फिर दबाव डालते हैं तो फिर मेरा ख़्याल है कि शबाज शरीफ थोड़ा सा और वाजे करेंगे जो ऑलरेडी चाइनीज़ को पता है चाइनीज़ बहुत वेल्यूर हैं पाकिस्तान के हालात से और अब वो सब यही पाकिस्तान से कह रहे हैं अरब कंट्रीज़ हों चाइनीज़ हों भाई पाकिस्तान में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें आपके यहाँ आप पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आपके अपने बिजनेस पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल रहे हैं तो हम उसी सूरत में हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे जब फिर आप हमें कोई बड़े बड़े इश्योरेंस देंगे कोई एयरपोर्ट्स हमारे हवाले करेंगे कुछ बंदरगाहें हमें देंगे कुछ अपने एसेट्स हमें लीन करेंगे तो तभी फिर हम ये रिस्क लेंगे तो पाकिस्तान इज़ स्टिल इन इकनॉमिक टर्मोइल ट्राइंग इज़ बेस्ट टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज शहबाज शरीफ एट लीस्ट एक बिजनेस मैन है वो उन चीज़ों को समझते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है दीज आर लॉन्ग जिसे क्या प्रोसेस और अगर पाकिस्तान इनको हल ना कर सका शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डीप ट्रबल विल बी मोर राफा पर अटैक को रेड लाइन करार नहीं दे रहा ये बहुत अहम सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल अमरीका ने पहले कहा था की जी अगर इसराइल ने अटैक राफा पे किया तो हम बड़े अपसेट होंगे ये होगा फला होगा लेकिन ये मैं साफ कई बार कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ अमरीका ये सब कुछ पब्लिक कंज़म्पशन के लिए करता है इंटरनेशनल पब्लिक कंज़म्पशन के लिए करता है अमेरिका मकम्मल तौर पर चाहे कोई भी सरकार हो ये इसराइल के साथ खड़ा है और उसको खड़ा रहना भी चाहिए मैं उसको ब्लेम भी नहीं करता इसराइल uh, की अब तक की जो सर्वाइवल है वहाँ पर और जो मजबूती है वो अमरीका की वजह से है और वो सिर्फ अमरीका की वजह कुछ सिंपल नहीं है अमरीका और इसराइल का जो आपस में रिलेशन है mm -hmm. वो बहुत स्ट्रांग है uh, uh, जो बड़े बड़े सैनिटर कांग्रेसमैन uh, वो uh, इसराइल के सपोर्टर हैं बहुत सारे जूश बैकग्राउंड के हैं और वैसे भी जूडा क्रिश्चन uh, जो कल्चर है वो एक कल्चर है लेकिन दुनिया चूंकि एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है अपरेंडली और उसमें फिर अमेरिका को इंटरनेशनल पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहना पड़ता है अच्छा अब कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या अमेरिका इस तरह की बयानबाजी देता है नतन याहू को रोकने के लिए कि भाई एक हद हाँ तक जाओ इससे आगे ना जाओ क्या वो अरबों को खुश करने के लिए दे रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं है अरब भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम कर रहे हैं अरब भी हमास की टेर्रिज़म से बहुत तंग है और अरब भी ये जो फ़लस्तीन के दूसरे जो जहादी ग्रुप हैं या जो इवन फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स हैं वो उनसे बहुत तंग है और वो उसका इजहार करते रहते हैं प्रैक्टिकली भी जबानी कलामी भी लेकिन फिर चूंकि पब्लिक कंजम्पशन उनको भी करनी पड़ती है अपना अरब पैनिज्म उनको भी प्ले करना पड़ता है तो वो सामने दिखावे के लिए उसी तरह अरब बोलते हैं अरब लीडरशिप बोलती है जिस तरह अमरीकी लीडरशिप बोलती है टेक्नोलॉजी ने बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड तो खैर टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर मेरा ख्याल लागू नहीं होती यहाँ पर ज्यादा मसला पुराने जो जियोस्ट्रेटिक हैं उनका है उनक तो अब इस सारी रोशनी में अमेरिका क्यों रेड लाइन करार नहीं दे रहा पहले अमेरिका ने मतलब याहू को वार्निंग दी थी कि भाई रफा में ना जाओ अब वो रफा में चले गए अमेरिका इस बात की मकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है इवन सदर बाइडन ने भी रिसेंटली कहा कि भाई हमास का खात्मा होना जरूरी है चाहे वो रफा में घुसे हुए हों तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिकेशन यही है कि इसराइल को अमेरिका यही कह रहा है कि भाई खुदा के लिए मैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए तुम्हारी मुखालफत करनी पड़ेगी ये भी कहना पड़ेगा तुम्हें असला नहीं देंगे अगर तुम इस हद तक गए लेकिन पीछे से हम तुम्हारे साथ ही हैं और जहाँ कहीं खुल के तुम्हारा साथ देना है वहाँ पर खुल के भी देंगे तो अमरीका खुल के भी इसराइल का साथ दे रहा है और पीछे भी साथ दे रहा है पब्लिक कंजम्पशन के लिए कभी वो कहता है ये रेड लाइन है फिर कहता है नहीं ये रेड लाइन नहीं है और मेरा ख़्याल है कि अगर ये अमेरिका ये कर रहा है इसराइल की सपोर्ट तो ये कोई गलत भी नहीं है अमेरिका को करनी भी चाहिए क्योंकि इसराइल बहुत ख़तरनाक जहादियों के गिर, इर्द गिर्द वो है गिरा हुआ और ये जहादी जो है, जहादी जो है ये जहादी ख़ुद फलस्तनीों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं ये जो अभी तीस पैंतीस चालीस हजार बेचारा आम फलस्तीनी मरा है वो असल में हमास उसके बुनियादी तौर पर रेस्पॉसिबल हैं मैं ये बात हर बार कहता हूँ और मैं इस पर कन्विंस हूँ कि हमास ने ना सात अक्टूबर वाली घटिया की होती और ना की होती तो ये दिन आज ना देखने पड़ते फलस्ती चलिए जी आखिर में हम अपने देश कैनेडा की बात कर लेते हैं बैंक ऑफ कैनेडा ने इंटरेस्ट रेट कम करने का आगाज कर दिया है इसका कैनेडा की इकोनॉमी और सियासत दोनों पर कैसा असर होगा क्योंकि इकोनॉमी और सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा गहरे जुड़े हुए हैं ऐसा ही है जी देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज जब मैं और आप ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं पाँच जून 2024 को तो कैनेडा के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्वार्टर परसेंट कम करने का ऐलान किया ये बहुत अहम ऐलान है क्योंकि ये ऐलान कोई दो सालों बाद सा आया है दो सालों से पहले यानी अभी कोविड जब ख़त्म हो रहा था तो इंटरेस्ट रेट बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा कनाडा की हाउसिंग मार्केट पे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ लोगों की ज़िंदगी पे इफेक्ट हुआ चुके हैं यहाँ पर नाइन्टी परसेंट प्लस लोग तो मॉडगेज़ पर रहते हैं और जो फुली घर ओन करने वाले लोग हैं वो तो पाँच दस परसेंट हार्डली होंगे तो अब वो जो मॉडगेज रेट ऊपर से ऊपर चलता चला गया ढाई तीन साल पहले मुझे याद है मॉडगेज ढाई तीन परसेंट पर बड़ी आसानी से मिल जाती थी बल्कि इससे भी कम मिल जाती थी अब वो मॉडगेज प्रैक्टिकली बैंक में लेने जाएँ तो वो कुछ साढ़े छः सात परसेंट से कम नहीं मिलती तो जिनकी मॉडगेज थी वो अगर कोई दो हज़ार पे, पे कर रहा था मॉडगेज उसकी तीन साढ़े तीन हज़ार डॉलर होगी तो उसका आ, जो आ, उसकी ज़िंदगी मुतासर होगी उस उस घराने की सिस्टम इन सर्कल जो है जो पूरा का पूरा एक माशी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। आ, वो भी तो जुड़ा वो हुआ है लेकिन 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 उसमें ये हुआ कि जिसकी मॉडगेज बढ़ी वो आ, वो भी प्रॉब्लम में आया उसकी आम जिंदगी के मसाइल बढ़े और उसके साथ साथ हाउसिंग की यहाँ पे शदीद कमी है चूँकि बहुत बड़ी तादाद में टूडो साहब ने मंगवाए अपनी सरकारों के दौरान इमिग्रेंट्स यहाँ पे हमारी आबादी मुझे याद है जब टूडो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे दो हज़ार पंद्रह में यस तो उस वक्त शायद कोई थर्टी सिक्स प्लस मिलियन थी आज वो 41 वन प्लस मिलियन है तो हाउसिंग भी उसी रफ्तार से चार पाँच मिलियन लोग आ चुके हैं तो बड़ी मतलब हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़नी है हाउस तो उस तरह नहीं बने तो उससे क्या हुआ किराए बढ़ गए लोग बेचारे जो किराए पर रह रहे हैं जो घर खरीदना एफोर्ड नहीं करते उनकी बेसमेंट्स मैं सुन रहा हूँ जो पहले टूडो से पहले बारह सौ तेरह सौ डॉलर महीने की होती थी वो आज ढाई हज़ार डॉलर महीने से ज़्यादा उसका रेंट है तो सिचुएशन बड़ी डायर चली आ रही है कैनेडा की ओवरऑल इकानमी भी नीचे गई पोलिटिकल हालात भी नीचे गए टूडो की अपनी मकबूलीत में काफ़ी शदीर कमी वाक़ हुई है तो इस सारी फ़जा में अब जो बैंक ऑफ कैनेडा ने आज इतने ढाई सालों बाद गालबन इंटरेस्ट रेट को कम करने का ऐलान किया अभी तो क्वार्टर परसेंट नीचे लाए हैं तो ये एक हवा का झोंका है कैनेडियंस के लिए वो बेचारे अब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा और इंटरेस्ट रेट आए वो तो स्पेस हाँ वो तो यहाँ तक उनकी ख्वाहिश है कि कोई एटलीस्ट टू परसेंट तक इंटरेस्ट रेट नीचे गिरे अच्छा जब वो टू परसेंट तक इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेगा फिर एकदम हाउसिंग प्राइजेज वो हाई हो जाए बहुत हाई हो जाएगी चूँकि हर कोई लेने के काबिल हो जाएगा तो वो फिर पुराना सीन जो तीन साल पहले था कि कोई एक अपना घर सात लाख का बेचना चाह रहा है टाउन हाउस तो वो एक एक मिलियन में जाके बिकता था तो अब वो वाली फजा हो जाएगी तो कनाडा में पॉलिटिकल चेंज तो जाहिर है 2025 में इलेक्शन के बाद ही आएगी अगर वो कोई आई अगर टूटो साहब हार गए तो फिर उसके बाद भी जो अब तक का मैस है इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशल मैस है वो अगर कंजरवेटिव आ गए वो आएंगे तो अगर वो जीते डेढ़ साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसके बाद अगर वो आए तो वो पता नहीं आसानी से कर पाएंगे अन डू जितनी गलत पॉलिसियाँ टूडो साहब ने यहाँ पे नाफज कर रखी हैं तो कैनेडा में चीज़ें जो हैं फिक्स होने वाली कोई आसान काम नहीं है इस लॉन्ग रोड बहुत सी इफ्स बट्स के साथ जुड़ी हुई हैं दुनिया में और उसमें हम कैनेडियंस भी शामिल हैं आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.